दोस्तों कुछ लोगों को लग रहा होगा कि काफी ऐसा वीडियो आने लगा है पार्ट थ्री एडमिशन के लेकर के, लेकिन हमारा इसमें मजबूरी है कि हर एक कॉलेज का हर एक दिन अपडेट आ रही है। और आज जो है लगभग मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले सभी कॉलेज का अपडेट आ गया है, और आज हम आपको सभी कॉलेज का अपडेट बताने वाले हैं कि आपका नामांकन कब तक होने वाले हैं पार्ट थ्री में। बता दें कि अगर पार्ट थ्री में आपका नाम छूट गया है तो आप क्या कर सकते हैं और कैसे आप नाम लिखा सकते हैं, पूरी पूरी बता देते हैं। 14 सितंबर तक अगर आपके कॉलेज में नामांकन नहीं हो पाता है तो आगे चल करके आपका नामांकन बहुत दिक्कत हो जाएगा और नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर से पहले आप सभी को अपने कॉलेज जा करके नामांकन लेना ही पड़ेगा हर हाल में, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए 14 सितंबर। अब बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अभी जो अपडेट आई है वो हम बारीक से आपको हर एक कॉलेज के बताएंगे, शॉर्टकट में आपको निकाल देंगे, जल्दी जल्दी भी बता देंगे। तो यहाँ पर है तृतीय खंड 22 से 25 का नामांकन देख रहे हैं, 2 सितंबर से शुरू हो रहा है जो 10 तक चलने वाली है। ये है आपका किस कॉलेज का, चंद्रमुखी भोला महाविद्यालय मधुबनी की बात कर रहे हैं। आवश्यक चीज क्या क्या लगने वाला है, देखिए नामांकन के समय नियमतः जो और जो वास्तविकता जो है आपको क्या क्या लगने वाला है डॉक्यूमेंट्स के रूप में, तो पार्ट वन और पार्ट टू का आपको मार्कशीट देना, पार्ट टू का एडमिट कार्ड और पार्ट वन का एडमिट कार्ड, पार्ट वन का मार्कशीट मतलब पार्ट वन वाला रिजल्ट देना है। पार्ट टू का रिजल्ट अभी नहीं आया है तो आपको छोड़ देना है। इसके अलावा पार्ट टू के नामांकन रसीद देना है और जाति आय ये सब तो फालतू चीज़ है, लगता नहीं है कहीं पर, ठीक है। और फोटो सिग्नेचर ये आपको देना पड़ेगा। आगे जानते हैं समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर का अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भी अपडेट हमने पहले भी बताए थे। तो ज़रूरी जो चीज़ है वही है पार्ट वन पार्ट टू एडमिट कार्ड, पार्ट वन का रिजल्ट और आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज 2 फोटो चाहिए आपको, और पार्ट टू नामांकन रसीद, यही आपको डॉक्यूमेंट्स देना है। फिर आप अमीर हसन कॉलेज का देख सकते हैं और ज़रूरी बात हम बताएंगे पैसा कितना लगने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल सूचना में ये चीज़ बताया गया है कि 14 सितंबर तक अगर आपका नामांकन नहीं होता है तो आगे विद्यार्थी खुद इसका जिम्मेदार होंगे, इसके लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार की जिम्मेदार नहीं होंगे। तो आप लोग को ध्यान रखना है, अगर आप 14 सितंबर से पहले नामांकन नहीं लेते हैं तो दिक्कत है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर, अगर आपका नामांकन मान लीजिए छूट गया है, तो छूट गया है तो घबराने की बात नहीं है। मान लीजिए बहुत कॉलेज में है जहां 31 अगस्त तक ही मौका था नामांकन लेने का, कॉलेज के द्वारा नोटिस खुद जारी करके बताया गया था, तो आपको घबराना नहीं है। 14 सितंबर से पहले कभी भी आप कॉलेज पर जाइए और वहाँ पर नामांकन संबंधित जानकारी लेकर के आप नामांकन करा सकते हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। हाँ, 14 सितंबर के बाद जब पार्ट टू का रिजल्ट आने वाला होगा तो उस समय भी नामांकन लिया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं बताया जा सकता है कि लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। जो सच्ची जानकारी है वो हम आपको बता देते हैं, अभी आपको जाकर के नामांकन लेना ही है हर हाल में। जिस भी कॉलेज से हैं आप अपने कॉलेज जाकर इस चीज़ को पता कीजिए, अगर बाद में आप पछताइएगा फिर आइएगा वीडियो में कॉमेंट कीजिएगा सर नामांकन हो गया कैसे होगा अब नहीं होगा, तो बाद में हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। अभी फुल्ली हेल्प कर रहे हैं, आप लोग कॉलेज जाकर पता कीजिए और नाम लिखा लीजिए। सभी कॉलेज में बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उस सभी यूनिवर्सिटी में पार्ट टू का रिजल्ट आने से पहले पार्ट थ्री में नामांकन लिया जा रहा है, मिथिला यूनिवर्सिटी में भी यही काम हो रहा है। तो आप लोग फटाफट कॉलेज जाइए, नामांकन में क्या क्या लगने वाला है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कुछ पूछना है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हम हर एक लोगों को कॉमेंट को पढ़ते हैं और उनको जवाब देते हैं, तो आपका भी जवाब देंगे, आपके मन में क्या क्वेश्चन है बता दीजिए। पैसा की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत कॉलेज में 1700 रुपया लग रहा है, कहीं कहीं 2900 रुपया भी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली रियल में आपके पास आपसे कितना रुपया लेना चाहिए, तो एक्चुअली जो है आपका पैसा लग रहा है वो मात्र 650 रुपया ही लग रहा है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका नामांकन है तो वहाँ पर आपसे 3000 भी लिया जा सकता है और 5000 भी आपसे ले सकते हैं, ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करते हैं, बट सरकारी आदेशानुसार 600 से 700 तक रुपया ही लगना चाहिए। बाकी आपके कॉलेज में कितना पैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, कॉलेज के नाम के साथ बताइए कि आपके कॉलेज में कितना पैसा लग रहा है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।